नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर तक और अभी मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के अंबेडकर स्थल पे, जहाँ पर लोग पीड़ित प्रभावित परिवार द्वारा संस्कार सरकार और जिला प्रशासन के समक्ष न्याय के लिए बाइज पट्टी कांड संख्या 164 बाइज के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ इनके मुख्य वक्ता से। जी, आपका नाम? सुनील कुमार सिंह जी। क्या मामला है? यह मामला है जी, देवेंद्र पासवान है, इनकी लड़की बाजपट्टी गांव एक तो है, बाजपट्टी पंचायत है, बाजपट्टी में ही है, वहाँ पर रहती थी। लगभग 1.5-2 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद अभी हाल फिलहाल उनका निधन भी हुआ हत्या के द्वारा। जी जी, कैसे हत्या हुई? यह तो हमको यह जानकारी दी है, वहाँ हम गए थे घटनास्थल पर तो विभिन्न जगह दाग था और वो लोग लटकाए हुए फंदा में, वो कहते थे फांसी में लटका लिए है, लेकिन पूर्ण दाग था और बहुत झोपड़ी नुमा घर है जहाँ फांसी का कोई बात नहीं है, साजिश के तहत उसका हत्या किया गया था। माने निष्पक्ष तरह से आपको कहना है कि दहेज के लालच के जी 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 वजह से जी 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 हत्या हुई है। जी, तो प्रशासन की तरफ तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक तो कुछ नहीं हुई है। कितना दिन हो गया मामला का? मामला का लगभग 6 तारीख को हुआ था। कितने लोग अभियुक्त है उसमें? अभियुक्त का अभियुक्त तो लगभग 5-6 है, क्या 6 है। कितने लोग की गिरफ्तारी हो गई है अभी तक? एक भी नहीं। एक भी नहीं? जी नहीं। एसपी साहब से आप मिले हैं? नहीं, वो देवेंद्र पासवान जी मिले हैं। अच्छा, उनके पिताजी? जी जी जी। आपका क्या नाम हुआ? देवेंद्र पासवान। आपकी लड़की की हत्या हुई है? जी। क्या मामला है? दहेज का मामला है। क्या, कैसे हत्या हुई है? हत्या मारपीट करके कर दिया गया, देखने से ऐसा लगा जैसे पिटाई किया हो। कैसे आपको मालूम हुआ? उन्होंने फ़ोन किया था हमारे पास कि आपके लड़की बोल नहीं रही है। जब हम लोग वहाँ गए प्रशासन के साथ तो देखे वो धोटी पड़ी हुई थी, कोई उसके घर में ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दे, उसके बदन पे कपड़ा भी नहीं था आधे शरीर पे। पहले से में पड़ी थी? पहले से कुछ आपको जानकारी था कि दहेज वहेज की मांग कर रहा है? जानकारी ये थी कि कभी कभी लड़की कहती थी कि कभी पैसा मांगता है, कभी कहता है मेरे को मोटरसाइकिल नहीं दिया, कभी कहता सोने की अनुमानी नहीं दिया, तो बाप से पैसे मांग के लिया 1 लाख रुपया, बाप के बोल मोटरसाइकिल देगा, ऐसे करके लड़की को बोलता था। इस संबंध में आप कभी बात किए अपने लड़की से? लड़की से बात किए थे, 5 तारीख को भी बात किए थे, तो सर हम मजदूर आदमी, रोज कमाने खाने वाले, हम कहाँ से ला के देंगे। हत्या से पहले आपसे बातचीत हुई है लड़की से? हत्या से एक दिन पहले 5 तारीख को सुबह 8 बजे के आसपास बात हुई थी उनसे, वो बोल रही थी हम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, और 6 तारीख को सुबह 5 बजे कॉल आया कि आपके लड़की बोल नहीं रही है, तो हमने उनसे कहा कि नहीं बोल रही है तो आप डॉक्टर को दिखाइए क्या हुआ। फिर इसके बाद उन्होंने कोई कॉल नहीं किया, कोई आदमी मिले नहीं। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो घर में कोई नहीं था, सिर्फ ओटी पड़ा हुआ। जब आपको मालूम हुआ कि आपकी लड़की की हत्या कर दी गई है तो आप प्रशासन के लेकर के गए, कौन सा थाना? प्रशासन के, वहीं से खबर हुआ था। हम लोग जब गए तो हमारा रास्ता प्रशासन के साइड से ही जाता थाने से। जी, तो आगे आगे प्रशासन चल रहे थे, पीछे से हम लोग गए, हम दोनों साथ में ही पहुँचे थे, तो बोटी देखे प्रशासन भी गए थे, हम लोग भी गए। तो आगे फिर क्या प्रशासन ने कार्रवाई की वहाँ? प्रशासन को तो हमने FIR करवा दी है, अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब उनको कहते हैं तो कहते हैं हम जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई मिलता नहीं है। कौन सा थाना है? बाजपट्टी थाना है। आप प्रशासन से इधर जा करके मिले हैं? पहले कई बार मिले हैं, लेकिन कोई बताते हैं कि हम जाते हैं, कोई मिलता नहीं है। हमको कहते हैं आप कुछ बताइए, हम कहाँ बताएं। कुल प्रशासन के तरफ से आपको क्या आश्वासन मिलता है? कुछ भी नहीं, अब तक कुछ नहीं मिला, कोई मिलने भी नहीं आए, कोई पूछने भी नहीं आए। SP साहब से आप मिले हैं? जी, SP साहब से मिले हैं। SP साहब ने हमारे सामने कॉल किए थे थाने पे कि ऐसे केस को क्या हुआ। SP साहब ने कहा कि ठीक है आप जाओ, आपका काम हो जाए। कितना दिन बीत गया किस चीज़ का? SP साहब से मिले हुए करीब 12-14 दिन हो गया। कितना दिन के टाइम लिए थे? टाइम नहीं दिए थे। नहीं, फिर आप आगे अब कार्रवाई क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें न्याय मिले, जिन्होंने खून किया हमारे लड़की को वो पकड़ा जाए, हमें न्याय दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। थक हार करके आप धरना प्रदर्शन पर उतर गए हैं, इस पर आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि जो हत्या किया वो पकड़ा जाए, उसको सजा हो, हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए, कोई और कुछ नहीं चाहिए किसी से। SP साहब से क्या मांग करते हैं? SP साहब से मांग करते हैं कि वो पकड़वाए उनको, फिर आप गिरफ्तारी हो। फिर आप अभी आवेदन देंगे SP साहब को? देंगे, जरूर देंगे, नहीं कुछ पकड़ा जाएगा तो देंगे।
मतलब अभी आप आवेदन उनको देंगे धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आगे फिर क्या आपको आश्वासन मिलता है इस पर आप विचार करेंगे? लड़की की माँ जी कौन है जी, आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? अनुर्ति देवी। इधर आइए इधर। क्या नाम है? अनुर्ति देवी। ये घटना जो हुई है आपके लड़के के साथ, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? हाँ। क्या कैसे घटना हुई है? घर पर आते थे ना, हमारे घर पर जी, तो लड़की बोलते थे जे मम्मी जे कभी हलमानी मांगते हैं, कभी कान में के मांगते हैं, कभी मोटरसाइकिल मांगते हैं, कभी कहते 1,00,000 रुपया ले आओ। तो मजदूर आदमी कहाँ से दे? तो बेटी फिर से फिर भी दागरी कर दी उसको, तो गई तो अच्छे से थी 2-4 दिन। और 5 तारीख के बात किए थे लड़की से। हाँ, लड़की से। और 5 तारीख के रात में उसको मार दिया गया। 6 तारीख के फोन आया तो हम ही उठाया तो कह रहा है उसको ससुर जे अंगूरी ऐठ गया, नहीं बोलता थे तो हम चिल्लाने लगे। उसके पापा गए तो आगे आगे गए तो पीछे आगे आगे प्रशासन गए थे, तो प्रशासन देखा तो बॉडी पड़ा हुआ। अभी तक जिस आरोप के नामजद किए हैं आप, किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं। थक हार करके आप धरना प्रदर्शन पर उतर गए हैं। हाँ। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? इंसाफ। इंसाफ, अविलंब सबको गिरफ्तारी हो। हाँ। यही सब ना। हाँ। जैसा कि आप देख रहे थे कि लड़के के माता पिता सारे लोग अपनी आप बीती सुनाई है, प्रशासन से अविलंब इस पर कार्रवाई चाहती है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से पहले इन्होंने बहुत सारा आवेदन दे चुके हैं, एसपी साहब से मिल चुके हैं, थक हार करके ये धरना प्रदर्शन पर उतरे हैं। अभी बोल रहे हैं कि एसपी साहब को आवेदन देंगे आगे के कार्रवाई के लिए। 1.5 साल के बच्ची है उसको, पता नहीं कहाँ लेकर चल गए। कितने बच्चे हैं उनका? 1 ही 1.5 साल के। लड़का है लड़की है? लड़की है। कितना दिन शादी का हो गया? 2 साल। तो 2 साल से कोई ऐसा मतलब बातचीत नहीं हो रहा था दहेज के लेकर के, एकाएक कैसे हो गई? बोल आते थे ना तो बोलते थे, तो हम लोग कहाँ से देते। कितना दिन से मतलब दहेज के मांग हो रहा था? साल भर से। साल भर से।